हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PYQs। आज की इस वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहाँ पर एक तो मोस्टली जजमेंट्स डिस्कस करी गई हैं, पुरानी जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स पूछी गई हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स में वो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बेसिक कुछ अदर लीगल वर्ड्स एंड टर्म्स जो पूछे गए हैं जो हमारे रह गए हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर। आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच amongst the following writ means what is your authority? Although constitutional law का chapter है writs, writ में हमें ये पता होना चाहिए individually also, कभी कभी इसको legal terms का part भी माना जाता है कि individual writs के क्या मतलब हैं। Mandamus का मतलब होता है we command, to be informed of। So जैसे certiorari issue किया जाता है जब सुपीरियर कोर्ट बोलता है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर जो है वो दिखाओ वो क्या कहता है, एंड उसको वो स्टॉप करता है फ्रॉम फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। देन हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो ये रिट इशू होती है। नाउ को वारंटो इज वॉट मीन्स वॉट इज योर अथॉरिटी, बाय वॉट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग अ पर्टिकुलर ऑफिस और यू आर गिविंग एन ऑर्डर। ये रिट जो है वो को वारंटो की रिट कहलाती है। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए बिद्दत दैट इज ट्रिपल तलाक को सेट असाइड किया गया था। सो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस जो है उसको सेट असाइड किया था इन द शायरा बानो केस। ये लैंडमार्क जजमेंट रहा काफ़ी। एक और लैंडमार्क जजमेंट शाह बानो बेगम है, एंड मोस्टली पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन दी। शाह बानो बेगम का जो केस है दैट रिलेट्स टू द केस ऑफ मेंटेनेंस। अब ये जो सारी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये अब आपको कैसे पता, आप लॉ स्टूडेंट तो ऑलरेडी है नहीं। सो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, हाउ यू कैन प्रिपेयर अबाउट दीज इज यू कैन वॉच सम ऑफ माय वीडियोस ऑन लैंडमार्क जजमेंट्स, एंड फर्दर मैंने एक फुल कंपेंडियम बनाया है ऑफ 100 अराउंड जजमेंट्स ऑन डिफरेंट लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, उसका एक फुल कंपेंडियम है दैट इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट www.lawdigest.in। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन चेक द फ्री मटेरियल कोर्सेज सेक्शन दैट इज देयर ऑन द वेबसाइट। वहाँ पर आपको वो लैंडमार्क जजमेंट का PDF मिल जाएगा, साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट PDFs जो हैं वो उसमें ऑलरेडी अपलोडेड हैं दैट यू कैन चेक। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसका मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको रूल आउट करना है। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली टेकिंग ऑफ डाउरी इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। द वर्ड ओनली इज यूज्ड, वी नो कि टेकिंग ऑफ डाउरी इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, बट दैट इज नॉट द ओनली केस दैट इज देयर। देन ओनली गिविंग ऑफ डाउरी इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन डाउरी इज लीगली अलाउड, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। Now coming on to the fourth one, giving as well as taking the dowry is prohibited under law. Option D is the correct answer. A और B जो है वो incomplete sentences हैं। Moving forward to question 4, which of the following statement best explains the phrase devil's advocate? Devil's advocate का मतलब क्या होता है? Devil's advocate मतलब कोई एक्सप्रेस कर रहा है contentious opinion, contentious मतलब something that is controversial. So any person who's making a statement that is bound to create a controversy, that is that person can be referred to as devil's advocate. Then moving on to question 5, landmark judgment जिसने homosexuality को decriminalize किया। सेक्शन 377 ऑफ द IPC में पहले होमोसेक्सुअलिटी जो है वो पनिशेबल थी, अननेचुरल ऑफेंसेस। इन दिस सेक्शन इट वाज अर्लियर सेड कि जो अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स है बिटवीन अडल्ट्स दैट इज पनिशेबल। नाउ इट सेज कि जो कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में ऐसा एक्ट है दैट इज नॉट पनिशेबल, दैट इज नॉट अ फेलनी, दैट इज नॉट अ क्राइम। And this was held in the case of Navdeep Singh Johar versus Union of India, एक काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट रहा है इंडिया में। देन नीलावती बेहरा का जो केस है ये बात करता है पुलिस कस्टडी में अगर डेथ होती है तो कॉम्पेंसेशन फैमिली को दिया जाना चाहिए। देन मेनका गांधी इज द केस दैट डील्स विद द गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल में हमारे आर्टिकल 14, 19 और 21 का बोला जाता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक गोल्डन ट्राइंगल है। देन हुस्नैरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है ये बात करता है एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये हमारे आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट है। ये जो सारे केसेस हैं एज आई मेंशन अर्लियर दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंपेंडियम, यू जस्ट हैव टू विजिट द वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट दैट कंपेंडियम।
देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन सिक्स, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल जो डेथ पेनल्टी के केस में लगता है वो कौन सी जजमेंट में आया था? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मीनिंग कि डेथ पेनल्टी जो है वो एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है, एंड द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में. देन मूविंग फर्दर क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज कॉल्ड अ बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम. अभी जब हमने स्टार्टिंग में रिट्स की बात करी थी आई टोल्ड यू कि हेबियस कॉर्पस की जो रिट है उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी. सो दैट इज पर्सनल फ्रीडम, हमारी जो बॉडी का फ्रीडम है वो हमारे पास है एंड नोबडी कैन डिटेन अस. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. देन मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, के एस पुट्टस्वामी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का वो किस बात से रिलेट करता है? वेरी फेमस केस, इट रिलेट्स टू द राइट टू प्राइवेसी. देन मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है कॉलिंग फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं दिया हुआ है एज कंपल्सरी, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड करा इन द केस ऑफ सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार कि ये जो रजिस्ट्रेशन है मैरिज का दैट इज कंपल्सरी. मूविंग फॉरवर्ड, क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में. क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है? जो एंड स्टेज होता है जब सारी अपील्स रिव्यू पिटिशन सब डिसमिस हो जाती हैं तो क्यूरेटिव पिटिशन आती है. फिर देन नेक्स्ट इज व्हाट इज अ स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट क्या होता है? स्पेशल कोर्ट इज सेट अप टू इनेबल क्विक एंड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ केसेस. सो ये जो केसेस होते हैं ये स्पेशली ये इसलिए सेटअप किया जाता है जो स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड केसेस हैं, नॉट रिस्पेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन और एनीथिंग, बट जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड केसेस हैं वो इस स्पेशल कोर्ट के सामने लाए जाते हैं. देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो क्रिमिनल लॉ में रिक्वायर्ड है वो क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो रिक्वायर्ड है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें केस को प्रूफ करना होता है. वी नो कि इंडिया में ये बोला जाता है कि अनटिल एंड अनलेस यू प्रूव गिल्टी देन यू कैन नॉट बी पुट बिहाइंड द बार्स. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव अ पर्सन कि हाँ इसकी गिल्ट है, दैट इज़ टू बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. अगर ज़रा सा भी डाउट है देन कन्विक्शन जो है वो इनोसेंट का नहीं होना चाहिए, वो इंडिया प्रिंसिपल फॉलो करता है. देन क्वेश्चन 13 डील्स विद नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ये हमारे आर्टिकल 20 में इनकॉर्पोरेटेड है. ये प्रिंसिपल है डबल जेपर्डी का कि एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जाना चाहिए. आर्टिकल 20 में सेल्फ इनक्रिमिनेशन भी इंक्लूडेड है जिसका ये मतलब है कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जाना चाहिए टू गिव कन्फेशन और टू इनक्रिमिनेट वन सेल्फ इन अ क्राइम. अपने ही अगेंस्ट टेस्टिमनी देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है. सो हियर आई लाइक टू मेंशन कि मैंने रिसेंटली एक रील भी डाली थी इंस्टाग्राम पे रिलेटिंग टू कन्फेशन बिफोर द पुलिस ऑफिसर कि अगर आपको किसी थ्रेट में डाल के या पुलिस ऑफिसर ज़बरदस्ती आपसे पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन ले रहा है दैट इज़ नॉट एडमिसिबल इन लॉ. इंस्टाग्राम पे हमको ज़रूर फॉलो कीजिए जहाँ पे हम ऐसी कंटेंट डालते रहते हैं लीगल फैक्ट्स से रिलेटेड, लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ताकि आपकी जो बेसिक लीगल नॉलेज है वो बढ़ती रहे, लीगल एक्यूमेन आपका डेवलप होता रहे. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर अ न्यू विजिटर, एंड बेल आइकॉन दबाइए ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे एज एंड व्हेन द वीडियो गेट्स अपलोडेड.